इनकी वालदा, और इनके माशाल्लाह 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं, और इनके जो वालिद थे उनकी लियाकत आबाद में, क्योंकि हम सब छोटी जगह से उठे हैं। मैं कराची में, मैंने लंडे बाज़ार से कपड़े ले लेके ख़रीदे भाई, लाइट हाउस से हमने बड़े कपड़े ख़रीदे हैं। हम अपना माजी नहीं छुपाते, हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं, और हमें फ़ख्र है कि हमारा माजी ऐसे ही रहे। हमारा जो इस चैनल का जो सरबरा है शुएब शेख, वो भी जुबली में घूमा करता था और जुबली की गलियों में घूमता रहा है, वो भी अपना माजी वही नहीं छुपाता। हम सबको अपने माजी पे फ़ख्र है। तो हमारे सरफराज, इनके जो वालिद थे, मैं इसे बताना चाहता हूँ कि किसी को भी आप ये ना सोचें कि वो कौन सा काम करता है, ये सोचिए कि वो मुल्क के लिए क्या काम कर जाएगा। इनके जो वालिद थे, मैं इसे उन्हें खराज तहसीन पेश करूँगा कि उनके वालिद की लियाकत आबाद में स्टेशनरी की दुकान थी, और उस जगह से स्टेशनरी की दुकान थी 2000 में, 2000 में वो अलीद हुए, और उसके बाद फिर जो सरफराज हैं उनके जो बड़े भाई हैं शफीक अहमद भाई, उन्होंने उस दुकान को संभाला। और सरफराज उन दिनों अंडर 15 खेल रहे थे जब बड़े भाई ने दुकान को संभाला। कराची की गलियों में इन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू की, और मुईन खान और राशिद लतीफ़ इनके आइडियल बने उनको सामने रखकर। तो ये बड़ी निचली सतह से उठकर आया है, लिहाजा अभी ये उठ रहा है, ये बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर, इंशाल्लाह निचली सतह से उठा है तो ये बहुत ऊपर जाएगा। इसीलिए सरफराज की जो सबसे खूबसूरत बात है, जो सरफराज को आगे लेकर जा रही है, मैंने पहले भी जिक्र किया था, आज फिर जिक्र करूंगा, आपको इसमें ये मैं नहीं कहता, आप खुद बता दीजिएगा, आप फैसला करने वाले बेहतरीन मुनसिफ हैं, बता दीजिएगा, आजजी है, इनकिसारी है, तवाज़ो है, ये आजजी इंसान को आगे लेकर जाती है, ये तवाज़ो इंसान को आगे लेकर जाती है। करियर के जो इब्तदाई दिन थे, इनका विकेट कीपर बनने का कोई इरादा नहीं था, है ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही। ये स्टार्टिंग मैंने लेग स्पिन से की थी, हाँ। और फिर जब मोइन भाई को देखा विकेट कीपिंग करते हुए, तो शौक बढ़ा उनको देख देख के, फिर स्टार्ट किया, फिर वो आइडियल बने, और फिर अल्लाह ताला का शुक्र है आज यहाँ तक पहुँच गए। यानी मैंने आपको ये भी बात कहलवा दी इनसे, लेग स्पिनर बने। एक बात है, जब भी मैं आता हूँ कोई आप नई स्टोरी होती है आपके पास, कोई नई स्टोरी होती है, मतलब मैं ये हैरान हूँ कि ये आप तक कौन पहुँचाता है। मेरी फैमिली की इनसाइड स्टोरी आपको पता है, आज भी मैं पहली बार आया था तो आपने भी एक इनसाइड स्टोरी, सेकंड बार आया फिर कोई ना कोई स्टोरी, आज तो आपने पूरा ही सारा मेरा बस स्टार्टिंग से लेकर बचपन सारा बता दिया आपने। देखिए यही तो सारा कमाल है, ये भी तो कमाल है। देखिए आप जब आए, मैं चाहता हूँ आपको नएपन का एहसास हो, अभी बहुत सी मैंने आपकी स्टोरियाँ छुपा के रखी हैं। जब आप फिर कप जीत के आएंगे, और आप जब वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे, मेरे जुमले याद रखो, ये रिकॉर्ड कर लो, ये जुमले अभी से बता रहा हूँ, पाकिस्तान में वर्ल्ड कप आ चुका है, पहले से बता रहा हूँ।